और इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए, और यही इल्म-ए-दीन अल्लाह ताला तुम्हारा मकाम और मर्तबा को बुलंद कर देगा। मैं इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं अपने अजीम तलबा से आजाना दरखास्त भी करता हूँ कि आप अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में इस्तेमाल कीजिए, छुट्टी का ज्यादा माहौल न बनाइए। ये आपका कीमती वक्त है, ये आपका बनने वाला वक्त है। अगर आपने इस वक्त को खो दिया तो मेरे अजीज तलबा एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी इल्म-ए-दीन से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा यकीन के वक्त को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और कीमती वक्त आपका जब गुजर जाएगा फिर वो वक्त वापस नहीं आएगा। इतनी छोटी उम्र में आप इतना बेहतरीन जो कुरान पाक पढ़ सकते हैं, इतना बेहतरीन अंदाज में आप मुसावत कर सकते हैं, इतना बेहतरीन अंदाज में आप मुकर्रर बन सकते हैं। तो मेरे अजीज तलबा आपकी उम्र जैसे बढ़ती जाएगी आपके इल्म के अंदर निखार आता जाएगा और आप इंशाअल्लाह तो थोड़ी सी उम्र आपकी ज्यादा बढ़ेगी इंशाअल्लाह आप बेहतरीन मुकर्रर के नाम से जाने जाएंगे। ये आपके इदारा का एक बेहतरीन तआल्लुक का जरिया भी बनेगा, साथ साथ आपके उस्ताद का भी तारुफ होगा और इसके साथ साथ आपके वालिदैन आपके अहलोकारीब आपके घर वाले का भी नाम रोशन होगा कि फलाना का बेटा कितना बेहतरीन तकरीर करता है, कितना बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम पढ़ता है। लिहाजा मैं तमाम तलबा से दरखास्त करता हूँ, मेरे अजीज तलबा आप अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा अपनी मशक में लगाइए और बेहतरीन मुकर्रर बनकर आप दिखा दीजिए, बेहतरीन शायर बनकर दिखा दीजिए अपने उस्ताद को और बेहतरीन कुरान की तिलावत करने वाला बनकर दिखा दीजिए और बेहतरीन अंदाज में आप कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए। इंशाअल्लाह ये आपके इदारे की मकबूलियत की बहुत बड़ी अलामत और पहचान है। तो मैं आपके सामने बहुत सारी बात रखना चाहता लेकिन अभी हमें घर भी जाना है, थोड़ा मार्किंग भी करना है। हजरत वाला का कारी साहब का हुक्म हुआ है कि चंद लम्हात आपके सामने रख दिया जाए, मैं इन्हीं चंद बातों में अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी इन दौलत से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम तलबा की मेहनतों को और असातिज़ा की मेहनतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत